नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा। आप देख रहे हैं एबीएनएन न्यूज। यूपी में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच समाजवादी पार्टी के नेताओं पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। दरअसल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी कहे जाने वाले कुछ नेताओं के घर शनिवार सुबह छापेमारी की कार्रवाई की गई, जिसमें लखनऊ के जैनेन्द्र यादव, मैनपुरी के मनोज यादव और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय के घर मऊ में शनिवार की सुबह इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा। बताया जा रहा है कि आयकर अधिकारी पूरे काफिला लेकर रेड करने पहुंचे हैं। इनकम टैक्स विभाग की टीम घर के चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। जहां जहां विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है, उन घरों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है, लिहाजा किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। धड़ाधड़ छापे की कार्रवाई के तहत शनिवार की सुबह मऊ में टीम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर पहुंची। टीम अंदर छानबीन कर रही थी तो बाहर सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई। बता दें कि छापे की कार्रवाई के दौरान सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय को घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। बता दें कि सुबह करीब 7 बजे इनकम टैक्स विभाग की टीम शहर कोतवाली के शहादतपुरा में राजीव राय के घर पहुंची। जैसे ही इसकी भनक सपा कार्यकर्ताओं को लगी, वह राजीव राय के घर के बाहर जमा होने लगे और कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद मौके पर पुलिस बुलाई गई। है कि इनकम टैक्स की टीम वाराणसी से मऊ पहुंची है। वहीं लखनऊ में अंबेडकर पार्क के पास स्थित जैनेन्द्र यादव के आवास पर छापा पड़ा है। इनकम टैक्स विभाग की टीम ने जैनेन्द्र यादव के घर को बारीकी से खंगाला। उधर अखिलेश यादव के करीबी आरसीएल ग्रुप के मालिक मनोज यादव के घर पर भी टीम ने छापा मारा। इस दौरान टीम किसी को भी घर के अंदर नहीं जाने दे रही। वहीं आसपास भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए एबीएनएन न्यूज के साथ।